जोड़ा नरी सितारी टायल यहास मनीष सेंट मछली शहर वाले और जय मां विंध्यवासिनी मनीष ज्वेलरी पता तिलक नगर बाजार पराहित मछली शहर जौनपुर से आप हमरे बड़े भैया के ओर से पुनः बहुत सारे रुपए का पुरस्कार हम चाहिला कि जेके सोना चांदी के जरूरत होई शादी ब्याह में या तो फिर अपने अपने मेहरारू के झूलनी करवावे के होई तो हमारे मनीष भैया से मिले हा लोगन एकदम नंबर एक का सोना दे हां एक आख थान तो हम ले चलो हां पैसा न रहे तब दे दे तू चला जो भाई तो जेकरे जेकरे मेहरारू है ओके ओके तोरे मेहरारू नहीं 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 अब से देना है बाबा काका सिखा एक गुरु जी देखा हुआ भैया के तरफ से 51 रुपए का पुरस्कार चुनाव में कोर्ट को नमन है आम जनता से आशीर्वाद की कामना ए भैया कवि ने बिरहा के अंदर बड़ी सुंदर गजल के लाइन दे लेन सारा कैलेश बाबू का अरे चांद चाहे अरे चांद चाहे चमन को जला दे मगर सभी लेकिन बाबू बिरहा के अंदर नजम के लाइनवा हमार कहानी यही से शुरुआत है कहानी कैसन बा कहानी के करबा आप लोगन के एकदम शीशा नियर साफ फरिया जाए आओ मास्टर ककरहिया के धरती से राम कृपाल पटेल ककरहिया के धरती से आपके तरफ से पुनः 51 रुपए का पुरस्कार
चरणों में कोट कनमन बा आम जनता सा आशीर्वाद की आकांक्षा भैया। पराहित की धरती से जीत बहादुर सिंह आप बड़े भैया की ओर से पुनः एक से एक रुपए का पुरस्कार चरणों में कोट को नमन है आम जनता से आशीर्वाद की कामना। दोलछिया बजाई के दाना जम पिता के बाद पे भगवान को भारी माने हुआ पिता के बाद पे भगवान को भारी माने हुआ पद के पीछे राजा दशरथ का नुस्कार हुआ जा करके चित्रकूट जंगल में एक कुटिया बनाई करके बाबू अपने सीता और भाई लक्ष्मण के संगे रहत रहन रहत रहन। धीरे धीरे समय जब बीतल एक दिन चित्रकूट जंगल में इधर रावण की बहन सपन खा घूमते घूमते आई जब घूमते घूमते आई ले भैया माँ सीता को देख हर प्रभु श्री रामचंद्र जी के ऊपर नजर पड़ी तो सोचे लागल कि क्या इंसान है अगर ऐसे हमार ब्याह हो जाए तब तो हमार जिंदगी सवर जाए। कुछ समय के बाद ओकर नजर लक्ष्मण के ऊपर पड़ल सोचने लगी कि ना दोनों में से एक जने से तो ब्याह करबई करब तब ले माँ सीता के ऊपर नजर पड़ती है। पराहित गोड़ा जोखन राम यादव आप जी की ओर से पुनः एक से एक रुपए का पुरस्कार आशीर्वाद की आकांक्षा है। ए भैया कमेटी बाबू लोगन का कहना बा कि समझावा कम गावा ज्यादा इधर जब नजर पड़ल तो सोच ले कि औरत के मार दे तो दुई में से एक मिला हमसे ब्याह कही ले आए। जब सीता को मारने चली तब ले इधर प्रभु श्री रामचंद्र जी का इशारा पाई के उनकर भाई लक्ष्मण उसके नाक काट ले हैं। जब नाक कटल रोते रोते अपने भाई रावण के पास आती है आकर कहती है भैया भैया जंगल में दो मुसाफिर आए हैं उन्होंने मार कर मेरा नाक काट लिया। रावण क्रोध में हो गया कि उसकी इतनी औकात वो मेरे बहन की नाक काट लिया। इधर बाबू एक दिन प्रभु श्री रामचंद्र कुटिया पे ना रहलन रावण जाकर के माँ सीता का हरण कर लिया। जब हरण कैले भैया प्रभु श्री रामचंद्र जी अलन
पूरा जंगल खोज डाले लेकिन सीता का पता नहीं चला। यह रावण जब लंका में लेके आए तो रावण की पत्नी मंदोदरी रावण से एक बात कहले से, लेकिन एक लाइन गीत लागल मास्टर। किया सहकारी अहिरे मुर बलमुआ श्री सुरेंद्र सिंह पराहित डीह की धरती से आप जी की ओर से पुनः एक से एक रुपए का पुरस्कार चरणों में कोट को नमन बा आम जनता से आशीर्वाद की कामना। अरे अहिरे मोर बोलमुआ के अहिरे मोर बोलमुआ के अहिरे मोर बोलमुआ हड़किया सारा कारी अहिरे मोर बोलमुआ रावण सी कहती है का करे बाबू। अरे विपतिया लाए भारी, अरे विपतिया लाए भारी अहिरे मोर बलमुआ चौकीदार बिंदु चौकीदार आप जी की ओर से पुनः 51 रुपए का पुरस्कार शरों में कोट को नमन है आम जनता से आशीर्वाद की कामना। मंदोदरी कलेश किले जाई जननवा हृदय राम के समनवा अवलवा फाटाकारी अहिरे मोर बलमुआ भैया। इधर रावण से मंदोदरी कहने लगी कि राम पति देव ए स्वामी ई तू सीता माई के लिया के ठीक ना कैला, ले जा सीता माई के प्रभु श्री रामचंद्र जी के वापस कैदा। रावण डांट के बोलता है मंदोदरी तू मेरी पत्नी है कि राम की बड़की भक्तिन बनती हो, मैं सीता को राम को वापस नहीं करूंगा। बहुत समझौले की ले जा वापस कैदा, लेकिन रावण नहीं मांगना। रावण कहे की मानू या तो धरती आसमान एक हो जाए, लेकिन मैं सीता को वापस नहीं करूंगा नहीं करूंगा। इधर प्रभु श्री रामचंद्र जी के पता लग गई कि रावण प्रगति मोबाइल शॉप के मालिक संजय श्रीनाथ गौड़ प्राहित के धरती से बड़े भैया की ओर से पुनः 51 रुपए का पुरस्कार सोने में कोट को नमन है आम जनता से आशीर्वाद की कामना है। आपके तरक्की में चांद चांद लगे ए भैया। प्रभु श्री राम जी लंका में चढ़ाई कैलन, रावण को मार के लंका पे विजय प्राप्त कर लिए। जब लंका पे विजय प्राप्त कैलन वहाँ के राजा रावण के भाई भभीषण के बना दिए। पराहित के धरती से आप रामलाल गौतम जी आप जी के तरफ से पुनः 51 रुपए का पुरस्कार चरणों में कोट के नमन है आम जनता से आशीर्वाद की कामना। ए भैया जब वहां के राजा भविष्ण को बनौलन कुछ दिन बाद लंका से अयोध्या आवे की तैयारी करत हैं। जब अयोध्या आवे के तैयारी करत हैं तिधर भविष्ण से विदाई लेते हैं कि भविष्ण अब हम लोगों को जाना होगा अयोध्या।
लेकिन उस समय भविष्य एक बात कहले से का कहले से मास्टर यही में एक लाइन गीत लागल गीत वे बा हमारा माई बहन लोग बड़ा प्यार से गावेली का गावेली बाबू जौनपुर के धरती पे यही गीत की बड़ा मछल के गावली कैसे गावली और गेहुआ के बाल ले गा सुगना गेहुआ के बाल ले गा सुगना बाला मामोर पूरी के झमके चल जाइबा तो वहाँ के माई बहन लोग तनी ले दाढ़ी बदल के गई हाँ। कैसे गई हाँ अरे ठारे रहा मुरली वाले अरे ठारे रहा मुरली वाले गबरिया घरे सहयोगीत गवैया जी बड़े अमृतलाल बिंद जी इनकर मेहरारू कैसे गावे कैसे मास्टर अरे नदिया किनारे हवा डोले नदिया किनारे हवा डोले हमार पिया हमसे ना बोले भविष्य प्रभु श्री रामचंद्र जी से कहले का कहले से बाबू कि हमरो खबर ली है जाया अरे हमरो खबर ली है जाया हमारा नाथ घर ना भुलाया लेकिन हमारो खबर लिहे जाया कहत कैसे बा अरे तोहर चरनिया में सिरावा में डारू अरे लक्ष्मण के कबहू पठाया मन के कबहु पठाया हमार नाथ घर ना भुलाया भरहुपुर डरवा अभयराज गुप्ता जी की ओर से पुनः 51 रुपए का पुरस्कार चरणों में कोट को नमन है आम जनता सा आशीर्वाद की आकांक्षा है बाबू सूरज सिंह पराहित की धरती से आ बड़े भैया की ओर से पुनः 1 से 1 रुपए दे के सम्मान किया गया चरणों में कोट को नमन है आम जनता सा आशीर्वाद की आकांक्षा है बाबू जहाँ तक हमारे आवाज जात हुई दिल के गहराई से कई स्वर में भैया बाबू माताएं बहने सभी से आशीर्वाद की आकांक्षा करती हूँ ए भैया इधर भविष्य प्रभु श्री रामचंद्र जी से कहस कि एक दिन अपनो चला आया कबो लक्ष्मण के भेज दिया लेकिन और की कहले से हनुमत सियाय अंगद के लेके पौ का भी चालाया अरे या पौ का भी चालाया या हमार नाथ घर ना भुलाया
सीता माई के भेज दिया, कबो हनुमान के भेज दिया, कबो अपन चलाया। आय के हमार खबर ले लिए, लिए जाया। इधर लंका से विदा ले करके प्रभु श्री रामचंद्र जी जब निकलेन तब पहुंचत का है ना बाबू सरजू नदी किनारे। जब सरजू नदी किनारा पहुंचलेन तो वहां पैतरे बदल गई, तब पैसा आ गया, गही पार पराही की धरती से। राम प्रसाद यादव आप बड़े बाबू के ओर से पुनः 51 रुपए का पुरस्कार, चरणों में कोट को नमन बाम जनता से आशीर्वाद की कामना बा। विराह सुनने वाले सज्जनों कहानी पे गौर करें। ए भैया, जब सरजू नदी किनारे पहुंचे बारे तो वहां होत का बाबू एक लाइन गीत लगल। बड़ी पुरानी गीत बा, हमरे कवि को कलम इशारा कर ले कैसे। अरे ओठावा पे लालिया ओठावा में बालिया आखिया के काजरावा। सरजुग नदी किनारे पहुंचत हैं तो वहाँ प्रभु श्री रामचंद्र जी के इंतजार कुछ हिजड़ा लोग करत रहे। जब हिजड़ा लोग देख लेन कि प्रभु श्री रामचंद्र जी आवत हैं तो वो समय कहलेन का जा करके पैर पकड़ लिए और आवाज दिलेन का दिलन बाबू दबाव से जब पैर पकड़ लेन प्रभु श्री रामचंद्र जी कहना रे तू लोग अब है गईला ना। तब हिजड़ा आवाज दे लेन का दे लेन बाबूदा अरे भाई के प्यारिया कहे पारा पारिया भूली गई ले हमान के खबारिया। सुभे पूर्व प्रधान आप पटेल जी की ओर से भरहुपुर के धरती से आप जी की ओर से शोभनाथ पटेल भरहू की धरती से भरहुपुर के धरती से आप जी की तरफ से पुनः 1 से 1 रुपए का पुरस्कार का फरमाइश बाबा। अच्छा प्रेमचंद यादव आप टम्पू वाले भैया के ओर से पुनः 51 रुपए का पुरस्कार। माई भगवती करें कि आपके तरक्की में चांद चांद लगे। अरे मारा दा जना नावा के भेजा ले भावा दावा कैले दहा बहन के Come on.
नहीं हिजड़ा तो प्रभु कहलन कहा हो तू लोग अभी गई ला ना। हिजड़ा लोग हाथ जोड़ के खड़ा हो गए कि प्रभु मर्दा के भेजा जनाना के भेजा ना हम मर्द भाई और ना ही जनाना हम जाई तो जाई कहा बतावत है कि 14 साल से तोहार इंतजार करत ही कैसे बतोलन बाबूदान 14 साल बीत गईल नदिया किनारावा भैया जब बतौले कि 14 साल से तोहार इंतजार हमने निहा करत है आग सुखाई गई जब इतना बात प्रभु श्री रामचंद्र जी सुनने हाथ जोड़न के भैया हमसे गलती हो गई हमरे गलती के और हमरे नादानी के माफ करा और चला हमरे संगे हमरे राज लेकिन हिजड़ा हाथ जोड़ देन के नहीं प्रभु अब आपका दर्शन होएगा हमने धन्य हो गए अब आप अपने राज जाए हम लोगन के यही जय रह बाबू इधर प्रभु श्री रामचंद्र जी हिजड़ा लोगन से जब विदा लिहलन तो अयोध्या अलन बाबा अयोध्या जब अलन तब होत का बाबू तेरी के लाइन अरे मोरे राम अवध के काली चंदा पर लगी अरे अवध के काली चंदा पे लगी हो अवध के काली चंदा पे लगी काए राम नगरी अनुराग बढ़ाया चंदा पे लगी आए राम नगर अनुराग बढ़ाया फंदा अवध की काली चंदा पे लगी बस कर भैया फोड़ देवे ढोलिया का फोड़ देवे भाई तो कैसे बजेबे बिहाने मोल चमड़ा पहले बार इतना पीटत हुआ जब जिंदा पौवा भाई जिंदा कहाँ पौते बा ए भैया इधर जब अयोध्या अलन धीरे धीरे कुछ समय बीतल तो एक दिन अपने भाई लक्ष्मण से प्रभु श्री रामचंद्र जी कहलन कि भाई लक्ष्मण बड़ा दिन हो गई लंका का कोई खबर नहीं आया कि लंका में सब राज्य पाट सही चलता कि नहीं जा खबर ले आवा इधर बड़ भाई का आदेश पा करके बाबू लक्ष्मण लंका नगरी में चलत है लेकिन कैसे बाबू छंद के लाइन में कहना बा कहा भगवान के मान खासा लेके धन साबा गए लंका धारा मान घूमे बगिया ना चोला छाए अनुराग
छोड़े नहीं जाहे बात। जिधर ताके मन लाग झूमे डलिया ना, टूटे नचा मन का प्यार ठीक दशरथ कुमार। डोले बगिया मझार ढूंढे कलिया ना, तोड़े डाली में कपूल, तोड़े डाली में कपूल, थोड़ा लखन कैले भूत, खेले बिना आपी तक खाई मनिया। लक्ष्मण जब लंका नगरी में पहुंचले तब पूरा लंका नगरी घूमे लगे। घूमत घूमत अशोक वाटिका में जब गए तो देखो थे कि बड़ा सुंदर सुंदर फूल फूलल बा। तो केहू से पूछे नामतेन अशोक वाटिका से एक फूल तोड़े लिए। जब एक फूल तोड़ले न भैया, एहर लक्ष्मण के पता ही ना रहल कि बागी के रखवाली के करत रहा। उबागी के रखवाली भविष्य के बिटिया बिंदु मती करत रहल। जब बिंदु को पता चला दौड़ के आती है, आकर आवाज देश के मनई, तो कैसे पूछा हा? कि तू हमारे अशोक वाटिका से फूल तोड़ लिया। चला ठीक बा, तोड़ लिया तो ठीक बा, लेकिन हमार तीन ठे शर्त बा। अगर मान जावा तब तो ठीक बा। पहला शर्त रहल कि आप तो फूल जवन तोड़े हया एके वही डायरी में लगा दा। दूसरा शर्त रहल या तो फिर हमसे बियाह करा। तीसरा शर्त रहल कि या तो फिर हमसे लड़ाई करा। जब लड़ाई के बाद लक्ष्मण सुन लेन बाबू, आग बबूला हो गए। कहन की लड़की हमके दहाड़ा था। जब आग बबूला हो गए तो दोनों यार लक्ष्मण और बिंदु मती वही बीच मैदान में अशोक वाटिका के बीच लड़ाई करने लगे। लेकिन कैसे बाबू पहपट के लाइन से क्रोध बढ़ाए लखन लाल ललकारी नारी बगिया में। क्रोध बढ़ाए लखन लाल ललकारी नारी बगिया में, टक्करे चाप के दोनों मारा मारी नारी लाल से भाभी सड़की वाला हो। अरे बोल दिया बौछार नार लक्ष्मण से साल न जाला हो। मजे ठीक धरती से मजीठी अमरनाथ सरोज बाबूजी के कर कमलों द्वारा पुनः 51 रुपए का पुरस्कार चरणों में कोट को नमन बा। ए भैया वंश बहादुर यादव अब खलीफा जी की ओर से पुनः 51 रुपए का पुरस्कार स्वर्णों में कोट को नमन है। आम जनता से आशीर्वाद की कामना। अरे जूस न खाए लखन लाल से भाभी सड़की बाला हो। अरे फोल दिया बौछार नार लक्ष्मण से साल न जाला हो। अरे यही माथे बन के आए रणधारी नारी बगिया में, जाओ नहीं करदन ले बहु तारी नारी बगिया में। चला न चारा लखन लाल का रहले गौर बढ़ाई हो। काट के नारी लखन लाल का सर दिहली अलगाई हो। और भेज दी धर कई
अशोक वाटिका के बीच बिंदुमती और लक्ष्मण के लड़ाई हो लगल। ललकार करके बिंदुमती लक्ष्मण के गर्दन अलगा देलेस। जब गर्दन अलगौलेस भैया एक पालकी सजा करके सुंदर सा वही पालकी के बीच रख करके अयोध्या भेज दी। एहर प्रभु श्री रामचंद्र जी देखत हैं कि पालकी बड़ी सुघर आवता लागत हमारा भाई लक्ष्मण दूसर बियाह तना कह ले लेन। लेकिन जब पालकी उतरल जा करके पालकी का पर्दा उठाते हैं बाबू अबाक हो गए कि ये तो मेरे भाई लक्ष्मण का सर। सोचने लगे लेकिन आधा के लाइन से पढ़वा श्री रामचंद्र जी सोचन लगे कि पापी आसमान और धरती कहाँ रह ले कि कोई खबर नहीं दिया करत का है ना बाबू कवनो खबरिया नहीं लाए लंकावा से पंचो कि कोई खबर नहीं दिया आज मेरे भाई का गर्दन कट गया। तबले सोचते बारे तबले उधर से एकदम शरीर बहाजत की हनुमान जी अब थन देखो थन प्रभु श्री रामचंद्र जी का चेहरा उतरल बा पूछे लगे प्रभु हे प्रभु आखिर का बात बा काहे बड़ा चिंता में बैठल बाड़ा। प्रभु श्री रामचंद्र जी के पुत्र हनुमान जाकर उस पालकी का पर्दा तो उठा कर देखो। जा करके जब हनुमान जी पर्दा उठैलन क्रोध से आग बबूला हो गए। जा करके प्रभु श्री रामचंद्र जी के आगे आदेश कलन कि प्रभु अगर आप आदेश करते हैं तो लंका अब है तहस नहस कह दे। यार प्रभु श्री रामचंद्र जी का आदेश पाए के हनुमान चलत है लंका लेकिन सदर मेरा अरे जवान बीरा नावा के खातिर लंका वापे
मुंबई से कादिर शाह बड़े भैया के वोट से पुनः 51 रुपए का पुरस्कार चुनु में कोट को नमन है आम जनता से आशीर्वाद की आकांक्षा है। ए भैया खजुराहा के धरती से साहबलाल पटेल जी की ओर से पुनः 1 से 1 रुपए देके सम्मान किया गया, चरणों में कोट को नमन है आम जनता से आशीर्वाद की आकांक्षा है बाबू। ए भैया इधर प्रभु श्री राम जी का आदेश पा करके हनुमान लंका नगरी में पहुंच गए। लंका नगरी में पहुंचले ने कहा जहाँ लक्ष्मण का दर पड़ा रहा, यार लक्ष्मण तो खाली एक कई फूल तोड़े रहे, लेकिन हनुमान पूरी बाग उजाड़ के फेंक दिए। वही समय ललकार करके बिंदुमती हनुमान के भी गर्दन को अलगा देती है। जब हनुमान के भी गर्दन अलग भइल, वही तरह पालकी सजा करके फिर अयोध्या भेजने का काम कर दी। प्रभु श्री रामचंद्र देखो तन दूसर पालकी आवता, लागत अब कौन विपत आईल। जब वो पालकी उतरल जा करके उस पालकी का पर्दा उठा के देखते हैं, क्रोध में हो गए, आग में बुरा हो गए भैया। कितन कवन वीर पैदा भइल बा लंका में, कि पहले हमरे भाई लक्ष्मण का गर्दन, फिर हमरे सेवक हनुमान का, अब लगत हमके चले के पड़ी। तो आखिरी लाइन में इधर प्रभु श्री रामचंद्र जी लंका चलत हैं, कैसे से आप अमित लाल विश्वकर्मा बड़े भैया की ओर से पुनः 51 रुपए का पुरस्कार, और ये देखिए पूर्व मनीष सेंट मछली शहर वाले मनीष ज्वेलरी, आप पता तिलक नगर बाजार पराहित मछली शहर जौनपुर से हमारे मनीष भैया की ओर से पुनः तीसरा पुरस्कार। माई भगवती करे कि आपकी दुकानदारी में चांद चांद लगे। ए भैया और ये देखिए मुलायम यादव साबी भाभी प्रत्याशी जिला पंचायत सदस्य हुआ, बवालू बनो हो सर सरौता के नियर। आप मुलायम यादव भाभी जिला पंचायत सदस्य आप जी की ओर से पुनः 1 से 1 रुपए का पुरस्कार आपके चरणों में कोट को नमन है आम जनता से आशीर्वाद की आकांक्षा है। पराहित की धरती से आप पवन मास्टर की माता जी आप जी की ओर से पुनः 1 से 1 रुपए का पुरस्कार चरणों में कोट को नमन माई के ए बिटिया का दर्द कहलन की मैये जान लिन भैया, कब्बई के माई सुनत सुनत सोच लिन बिटिया मेहनत करता तो चली ओकर हौसला और बढ़ा दे। ए भैया इधर प्रभु श्री रामचंद पैसा ला पहले अलपनाथ मिश्रा जी की ओर से पुनः 1 से 1 रुपए का पुरस्कार पैसा ले लो तो यार पैसा पकड़ा।
पराहित के धरती से आप मुनव्वर बाबू के ओर से पुनः एक से एक रुपए का पुरस्कार। माई भगवती करें कि तू ऐसे ही बनल रहे भैया। ए बाबू, प्रभु श्री रामचंद्र जी जब लंका में पहुंचले, जहाँ तर भविष्य के सामने कहलन भविष्य, आए भविष्य, तुझे शर्म नहीं आया, भाई का बदला चुका लिया। भविष्य हाथ जोड़ के खड़ा हो गया कि प्रभु, हमके तो खुद ही ना पता बा कि लंका में होत का बा। तब ले ई बात भविष्य के बिटिया बिंदु मती के पता चलल। जब बिंदु मती के पता चलल, दौड़ के आती है, आकर कहती है, तो ही राम हुआ, ए राम, उनसे का पूछत हुआ, हमसे पूछा, हम तोरे भाई लक्ष्मण और तोरे सेवक हनुमान के हम मारे है। अरे बा, आप प्रेमचंद यादव टेम्पू वाले राजकुमार प्रजापति, पराहित की धरती से आप दोनों भाइयों के तरफ से पुनः 51 रुपए का पुरस्कार आप दोनों भाइयों के चरणों में कोट नमन बा। ए भैया, तो बिंदु मती कितना बात प्रभु श्री रामचंद्र जी सुन लेन की वो नाम मरले है, तो प्यार से पूछे लगे कि बिटिया, ए बिटिया, आखिर काहे मरलू हा, कवन गलती कैले। तब इंदुमती बतौले कि तुहार भाई लक्ष्मण जब आयन तो केहू से पूछन न मतन, हमरे बाग का फूल तोड़ ले है। खाली उनके हम प्यार से समझावा कि या तो फूल के डारी में लगाई दा, या तो हमसे विवाह करा, या तो हमसे लड़ाई करा, युद्ध करा। जब इतना बात सुनन तो लगे ना लाल पियर हुए, तो उन्हों का गर्दन काट के आपके लगे भेज दिया। तो आर सेवक हनुमान एलन, तो केहू से पूछे न मतन, पूरा भाग उजाड़ के फेंक दिए। हाँ, पैसा ले भरहुपुर तरवा के धरती से बसंत लाल बिंद आ बाबू के ओर से पुनः 50 रुपए का पुरस्कार, चरणों में कोट को नमन है, आम जनता से आशीर्वाद की आकांक्षा। ए भैया, जब इतना बात सुन लियन कि केहू से पूछन न मतन, पूरा बाग उजाड़ के फेंक दिया, तो नहू के गर्दन काट के आपके अयोध्या भेज दिया। इतना बात सुन के प्रभु श्री रामचंद्र जी ले जाए के दोनों जने के गर्दन, दोनों जने के धड़ में सटाई के जिंदा कैले, जिंदा करके लंका से लिया के अयोध्या आ गई ले। यही कहानी समाप्त हुई, आगे गुरु घराने के प्रसंग। गुरु बिहारी, गुरु गणेश, गुरु राम लाल मोरे बात, और ये देखिए हमारे बड़े भैया आप मुलायम यादव भाभी प्रत्याशी, भाभी जिला प्रत्याशी, सॉरी मुलायम यादव भाभी जिला पंचायत सदस्य, आप जी की ओर से पुनः 1 से 1 रुपए का पुरस्कार आपके चरणों में कोट को नमन है, आम जनता से आशीर्वाद की कामना। अरे अवधि के काली चंदा पे लगी, अरे मोरे राम, अवधि के काली चंदा।